फार्मेसी के विरोध में दवा व्यापारियों ने की हड़ताल। बरेली में केंद्र सरकार द्वारा ई फार्मेसी की योजना लागू करने के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बरेली केमिस्ट एसोसिएशन और न्यू डिस्ट्रिक्ट बरेली केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज लगभग 4000 दवा की दुकान बंद रही और इसके अलावा बहेरी तहसील, आंवला तहसील, फरीदपुर तहसील, वीरगंज तहसील व नवाबगंज तहसील की भी दवा की दुकानें बंद रही। दवा के लिए मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ा। दवा व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी और इंटरनेट वेब पोर्टल द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने से थोक विक्रेताओं का व्यापार चौपट हो जाएगा और दवाओं की रखरखाव का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। जो कुरियर कंपनी दवाएं घर तक पहुँचाएगी उसके रखरखाव में FDA के कानून का खुला उल्लंघन होगा। दवा व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अपील की वह इस इंटरनेट फार्मेसी पर रोक लगाई जाए ताकि मानव जीवन से कोई खिलवाड़ न हो। हड़ताल में राजेश ओबराय, अनुज गोयल, संतीश चंद्र सेठी, राकेश नरूला, सुनील माटा, या संतीश सेठी, रितेश मोहन गुप्ता, हरिओम राठौर आदि ने सहयोग दिया। बंद का साथ दे रहे हैं और इसमें जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का पूर्णतया विरोध हो रहा है, इसमें सभी का समर्थन साथ में है। अजय मदान जी, हाँ बता, मेडिकल जी ऑनर है। आज ई फार्मेसी के विरोध में हमारी एक दिवसीय हड़ताल है। अगर ये आगे नहीं इसका समस्या का हल होता है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की हड़ताल है जी। और जो हमारी हड़ताल है वो EIDD के आह्वान पर है, ये सभी तरह की हड़ताल जो है वो बंद है। इसमें सिर्फ शहर के मेडिकल बंद है, पूरे जिले के मेडिकल बंद है क्या? जिले के बंद, पूरे जिले के बंद है, भारत के बंद, पूरे भारत। ये हड़ताल कब तक आएगी? आज एक ही दिन की हड़ताल है, आज ही तक। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये मांग आपकी पूरी नहीं होती? इस विषय में विचार करा जाएगा। मेरा नाम, मैं अध्यक्ष राजेश ओबराय है। कई दिन की हड़ताल है आपकी? एक ही दिन की, आज की हड़ताल है 24 घंटे की। और ऑनलाइन जो सरकार 28 अगस्त को जो उन्होंने निर्णय लिया वो शुरू करने जा रहे हैं उसके विरोध में है, क्योंकि इससे बहुत सारी परेशानी आ रही है। दुकान पूरे दुकानदार मंदी में जा रहे हैं सब, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार घरों से हो रहा है। बताइए। मैं सुशांत सेठी, महासचिव न्यू DBC है बरेली। AIOCD के आह्वान पर हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव राजेंद्र सैनी जी ने उनको पूरा समर्थन दिया है और ये हड़ताल पूरे भारतवर्ष में चल रही है और पूरी सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। टीवी के हिसाब से पूरे भारत में हर दुकान बंद है, रिटेल में बहुत बंद है और मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोगों ने हॉस्पिटल में जो दुकानें हैं मेडिकल की उनको छोड़ दिया है कि मरीजों को परेशानी ना हो। जिन मरीजों को परेशानी हो रही है वो हॉस्पिटल के अंदर की दुकान से दवाई खरीद सकते हैं। बाकी हमारा जो न्यू DBA का बंद है पूर्णतया सफल है। एक एक दुकान होलसेल की बंद है, एक एक दुकान रिटेल की बंद है। हमारे साथ में बरेली रिटेल केमिस्ट वेलफेयर सोसाइटी जो रिटेल को रिप्रेजेंट करती है वो पूरा साथ दे रही है और हम उनसे पूरे संतुष्ट हैं। हाँ, क्या परेशानी आ रही है आज मेडिकल बंद है? भैया मरीज भर्ती है, दवाइयाँ चाहिए, दवाई नहीं मिल रही बाजार में गई। मेडिकल एसोसिएशन वालों हम लोगों की सहायता करनी है, दवाई कम से कम एक घंटे की खुलवानी चाहिए। आपने कहाँ कहाँ बरेली में चेक करा? आवाज़ विकास से चेक कर तो यहाँ तक आ गए। सभी मेडिकल बंद है, सही बंद।